तो गाइस जैसा कि आपने जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहां पे देखिए ई केवाईसी कैसे करना है, अपना बैंक का डिटेल्स कैसे भरना है। जैसे देखिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो अभी जो प्रोफाइल है वो टोटल कितना है, तो अभी 50% कम्प्लीट है। ठीक है, आप लोग सिंपली क्या किए होंगे, अभी केवल रजिस्टर किए होंगे, आपको जो है अप्रेंटिसशिप का कोड मिल गया होगा, बाकी आपका प्रोफाइल आप लोग देखिएगा। यहाँ पे प्रोफाइल में अगर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी टू परफॉर्म अदर एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए आता है कि यहाँ पे यानी कि डीबीटी का पेमेंट लेने के लिए आपका जो है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2024 से लॉन्च कर दिया गया स्कीम 2 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से बार बार वही बोल रहा है कि आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मेरा ये सब सारा कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है, 50% मेरा इसलिए कम्प्लीट हुआ है क्योंकि मैंने जो केवल प्रोफाइल भी बनाया है, बाकी का सारा कुछ अभी काम वगैरह बाकी है। ठीक है, तो ई केवाईसी में देखिए मेरा 20% यहाँ पे कंप्लीट होगा इस जगह से, और यहाँ पे बैंक का डिटेल्स हम भरेंगे तो यहाँ पे मेरा 20% कंप्लीट होगा। उसके बाद अपडेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए सिग्नेचर अभी अपलोड करेंगे तो मेरा यहाँ पे 10% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 20 और 20 40 और 10 50 और 50 यहाँ पे जो कमी लग रहा है यानी कि जो भी 50% ही मेरा कंप्लीट हुआ है, ये सारा मेरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, आप लोग अभी कुछ भी अगर ट्राई कीजिएगा, अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपको 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके पहले आप लोग कहीं भी जाइएगा, जैसे प्रोफाइल में आप लोग क्लिक कीजिएगा एक बार इस तरह से, तो आपके सामने यही वाला पॉपअप आता रहेगा। ठीक है, कि सबसे पहले ई केवाईसी कंप्लीट करना है, इस तरह से आते रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग कहीं भी कुछ भी क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए वही वाला आएगा, बार बार पॉपअप आएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा बार बार कि आपको जो है ई केवाईसी करना है। तो सबसे पहले मैं ई केवाईसी कंप्लीट करता हूँ, जो कि आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग आइएगा, ई केवाईसी लिखा रहेगा, परसेंटेज में 20% रहेगा, और एक्शन में यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर ई केवाईसी। तो कंप्लीट योर ई केवाईसी में सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक किए, उसके बाद देखिए आपको एक बात मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से जुड़ा रहना चाहिए, और आपका आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा हुआ है वो आपके सामने रहना चाहिए, क्योंकि अभी ओटीपी जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसा है। और अगर आपका आधार कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर था वो अगर आपके पास नहीं है, तो पहले आधार कार्ड में अपना जो है नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए। और हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है कि चेंज होता है। ठीक है, आधार कार्ड में अलग होता है और यहाँ पे पोर्टल में अलग होता है। तो भाई जो पोर्टल में है, जो आपका सर्टिफिकेट में है, पहले आप वो आधार कार्ड में करवाइए, उसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट कीजिए। जो भाई का मैं अभी भर रहा हूँ फॉर्म, इनका भी पहले आधार कार्ड में अलग था, तो अभी आधार कार्ड पहले ये सुधरवाएं, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम ट्राई कर रहे थे लेकिन आधार कार्ड में कुछ अलग था और पोर्टल में कुछ अलग था, जिसके कारण यहाँ पर हम उसको कैंसिल कर दिए थे उस दिन। ठीक है, तो अभी आधार कार्ड सुधर गया है, जो डेट ऑफ बर्थ था वो हो गया, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जाइएगा तो इंटर योर आधार नंबर यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख देना है जो भी आपका रहेगा, और यहाँ पे टिक आउट करके उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो भी नंबर से जुड़ा रहेगा उस नंबर पर आपका जो है ओटीपी जाएगा। ओटीपी सिंपली यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस जैसे आप लोग ओटीपी डाल के वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए इस प्रकार से खुलेगा। भाई यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग जो है हड़बड़ाइए नहीं, आराम से वीडियो देखिए एकदम पूरा मस्त से, और कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है आप लोग जो है कमेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन खोल करके आएगा, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा सारा कुछ डैशबोर्ड, मैं सारा कुछ चेक करके आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग का जो स्टेट रहेगा उसका नाम आएगा, आधार कार्ड में जो भी स्टेट रहेगा उसका नाम आएगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग आ रहे हैं, जो आपका आधार कार्ड में है, उसको यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से क्लिक करके आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो भी मेरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है इस भाई का, वो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया हूँ, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है स्टेट में गिरिडीह का, मानी कि जो था मेरा डिस्ट्रिक्ट वो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है पेरेंट नेम, आपको मैं बता देता हूं कि भाई यहां पे पेरेंट नेम जो भी आपका फादर का नाम रहेगा या मदर का नाम रहेगा या स्पाउस का नाम रहेगा यानी कि चाचा जी का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे नोट में आपको देखना है कि नोट में क्या बोल रहा है। नोट में ये बोल रहा है कि भाई देखिए रिमूव डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ या कजन ऑफ बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये सब जितना भी है, जिसे यहाँ पे सन ऑफ है ना, ये हटा देना है। तो किस प्रकार हटाना है, तो देखिए जो आपका रहेगा पिताजी का नाम वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे इसे क्लिक करेंगे, देखिए किस प्रकार से मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसे करके इस जगह से क्लिक करना है, और ये देखिए मैं हटा दिया हूँ उसको। ठीक है,
हटा दिया हूँ सन ऑफ को, अब केवल रह गया पिताजी का नाम जो भी रहेगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिखेगा नेक्स्ट में कि इंटर योर रिलेशनशिप विथ सन ऑफ जो भी आपका रहेगा, यानी कि पिता जो भी रहेगा, माता जी का नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, चाचा जी का नाम रहेगा, जिनका भी नाम रहेगा, तो इनके साथ, इनके साथ आपका क्या रिलेशन हो रहा है, तो इनके साथ इनका पिताजी का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फादर मदर स्पाउस का आ रहा है तीन ऑप्शन, जो भी आपका रिलेशन रहेगा वो आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आ जाता है फोटो का बारी। ठीक है, तो ये फोटो जो है, ये फोटो आपका आधार कार्ड वाला फोटो, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है देखिए आधार इमेज। तो अगर आप लोग आधार कार्ड वाला अगर रखना चाहते हैं, अगर आपका फोटो आधार कार्ड में अच्छा आया है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस जगह पे देखिए नीला कलर से आ गया। ठीक है, और अगर आप लोग जो है अपना से यहाँ पे भाई देखो मैं पिछला बार अपडेट किया था ये फोटो, इसलिए यहाँ पे ये वाला आया है मेरा। ठीक है, आपका हो सकता है और दूसरा फोटो आता होगा जो आपने जो है अपलोड किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, वो वाला आता होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा और अच्छा फोटो अपलोड करें, तो यहाँ पे अपलोड में क्लिक करके, अपलोड इमेज में क्लिक करके, और हाँ देखिए आपका जो फोटो रहना चाहिए वो रहना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में और PNG फॉर्मेट में, और साइज जो रहना चाहिए वो 4 MB तक ही रहना चाहिए। ठीक है, 4 MB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग अपलोड में क्लिक कीजिएगा, तो अपलोड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 4 MB से कम का। तो मैंने जो है पिछला बार अब ये वाला अपलोड कर लिया था और मेरा आधार कार्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट नहीं हुआ था, सुधारा नहीं था, इसी कारण मैं पीछे उसमें कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो मैं उसी समय ये फोटो अपलोड किया था, इसीलिए मेरे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, आपके पास हो सकता है कुछ दूसरा आता होगा, तो आप लोग जो है यहाँ पे अपलोड में क्लिक करके आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे इस जगह पे फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आधार कार्ड वाला नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं यही फ़ोटो को रख रहा हूँ। और देखिए जो आपका फ़ोटो रहेगा पोर्टल में वही फोटो आता है यहाँ पे सर्टिफिकेट में। ठीक है, लेकिन मेरा केस में क्या होता कि मैं जिसमें अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया था उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला आया था। ठीक है, तो वो उस समय बहुत लोग का कॉन्ट्रैक्ट वाला आता था, बहुत लोग का आधार कार्ड वाला भी आ जाता था, लेकिन अब जो आ रहा है वो आधार कार्ड वाला ही आ रहा है फोटो। ठीक है, जो आपका पोर्टल में रहेगा वही फोटो आपका आएगा सर्टिफिकेट में, कॉन्ट्रैक्ट में, प्लस में हर जगह वही वाला आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि अच्छा फोटो डालिएगा ताकि अच्छा आने की दिखेगा आपका फोटो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैं अपडेट किया हूँ, नया फोटो डाला हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए गुलाबी कलर से आ गया है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको जो है गो पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज, गो में जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए इस प्रकार से आ जाएगा कंप्लीट योर EKYC, और यहाँ पे देखिए ये फील्ड का नाम रहेगा यानी कि इन्फॉर्मेशन इन प्रोफाइल। आपको प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में ये भाई लिखे थे, तो इनका जो है यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है नाम। उसका इन्फॉर्मेशन क्या है आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड में ये नाम है, और फादर का नाम देखिए यहाँ पे अभी जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसमें क्या लिखे थे, तो ये इस प्रकार से लिखे थे कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड में क्या है तो इस प्रकार से है। तो अगर आपका कोई भी तरह का अगर दिक्कत होगा भाई, ठीक है, अगर आप लोगों का किसी भी तरह का अगर नाम में अगर आ रहा है अंतर, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नाम है, यहाँ पे कुछ अलग नाम है, तो भाई आपका जो आधार कार्ड में रहेगा वही वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर आपका आधार कार्ड में कुछ अलग है, मान के चलिए आपका हर सर्टिफिकेट में सही है, हर सर्टिफिकेट में सही है नाम, लेकिन आपका आधार कार्ड में अगर गलती है, तो पहले आधार कार्ड को सुधरवाइए। ठीक है, उसके बाद ये वाला आप लोग जो है कंप्लीट EKYC कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई आगे, बहुत टिकट सबमिट करना पड़ता है, बहुत सारा आने की लंबा काम हो जाता है। तो पहले आप लोग आधार कार्ड में अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा कुछ आने की अपडेट करवाइए। आपको जो भी सर्टिफिकेट में रहेगा 10th का प्लस में ITI का जो भी रहेगा मार्कशीट सर्टिफिकेट में, वो लग करवाइए, उसके बाद ये वाला आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये भाई का सारा कुछ आने की सही है, स्पेलिंग भाई बहुत अच्छा से मिला लेना है सभी को। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग जो है जो भी आप लोग EKYC कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग आप लोग जो है अच्छा से पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई एग्री टू अपडेट माई प्रोफाइल डिटेल्स एज पर माई आधार ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्फर्मेशन माई कॉन्ट्रैक्ट या मार्कशीट या सर्टिफिकेट विल बी रीजनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आधार कार्ड में जो मेरा है उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पे सारा कुछ करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ, जिसके कारण मेरा कॉन्ट्रैक्ट में, मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में सारा कुछ आने की इसी प्रकार से जनरेट होगा इसी नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है चेक पर आने की सही कर दिया हूँ, उसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ। ठीक, तो क्या जैसे आप लोग गो पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके सामने देखिए इस प्रकार से आ जाएगा EKYC डन सक्सेसफुली। ठीक है, ओके करके यहाँ पे आएगा। भाई एक बार और मैं बता रहा हूँ कि पिछला बार मैं यहाँ पे कर
रहा था, तो उसमें मेरा जो है आ रहा था डेट ऑफ बर्थ का कि मेरा प्रोफाइल में कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है। तो मैं पहले आधार कार्ड सुधरवाया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे किया हूँ, तब देखो यहाँ पे सारा कुछ EKYC डन सक्सेसफुली करके आया और यहाँ पे केवल जो है नाम का ही केवल आया है, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा कि भाई इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आप लोग जो है करना चाहते हैं आधार कार्ड के अनुसार, और अगर आपका आधार कार्ड में गलत है तो पहले आधार कार्ड सुधरवाइए उसके बाद कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा हो गया है, अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर मैं क्लिक किया हूँ, देखिए मेरा सारा कुछ आने की अपडेट हो रहा है और फिर से ये वाला पॉपअप आया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके करूँगा और यहाँ पर देखिए फिर से बोल रहे भैया कि आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखिए गाइज अभी कितना मेरा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 50% था, अभी कितना हो गया 70% हो गया, जो कि EKYC वाला मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। देख सकते हैं ये 20% जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैंक का डिटेल्स भरूंगा, ठीक है, बैंक का डिटेल्स अपडेट करूँगा जिससे मेरा 20% और बढ़ेगा और यहाँ पे 70 के जगह इस जगह पे 90% मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सारा कुछ जो है बैंक का डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपडेट पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अपडेट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से नीचे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, तो सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट रहेगा भाई, ठीक है, जो भी रहेगा, जनधन खाता रहे, मतलब कोई भी खाता रहे, ठीक है, केवल फोन पे वगैरह ये सब जो रहता है ये सब नहीं आने की तरह रहना चाहिए। फोन पे का नंबर होता है ना भाई कि किसी का नंबर @YBL @ICICI ओके इस तरह से रहता है, जो भी रहता है, तो ये सब केवल आपका नहीं रहना चाहिए, आपका मतलब कोई खाता रहना चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी राज्य का ग्रामीण बैंक रहता है वो रहना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जितना भी तरह का बैंक है भाई सब तरह सब चलेगा, ठीक है, सब का सब चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो है अपना IFSC कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक का नेम जो रहेगा वो वहाँ पे आपको आने की ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइंड पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, यहाँ पे अकाउंट का नंबर डालना है और यहाँ पे फिर से अकाउंट का नंबर डालना है अच्छा से, और यहाँ पे किस प्रकार का है आपका अकाउंट, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सेविंग रहेगा ना भाई, सेविंग अकाउंट रहेगा वही आप लोग आने की यहाँ पे डालिएगा, तभी DBT में आपका जो है पैसा आएगा, ठीक है, नहीं तो करंट अगर रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इज द एबव इंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विथ आधार, अगर आपके पास बोल रहा है कि क्या ऊपर में जो बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं वो आधार कार्ड से लिंक है, तो हाँ मेरा आधार कार्ड से लिंक है, तो अगर आपका भी रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है एस कर देना, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग नो में नहीं कीजिएगा, पहले आप लोग जो है अपना बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे मेरा लिंक है तो मैं यहाँ पे एस पर क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं सारा कुछ डिटेल्स भरूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिक आउट करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई एम अवेयर दैट DBT अमाउंट विल बी डिसबर्स टू द आधार सीडेड अकाउंट ओनली, बोल रहा है कि DBT का जो अमाउंट आएगा आपका जो भी आएगा 1500 2000 जो भी आप यानी कि NEPS 2.0 में जो भी आएगा अमाउंट, हालांकि हमारे टाइम में 1500 आता था लेकिन मेरा जो है अभी तक नहीं आया भाई, ठीक है, अभी 12000 मेरा टोटल काटा था लेकिन मेरा एक भी बार नहीं आया है, बहुत लोगों का एक दो बार आया था, बहुत लोगों का 6 बार भी आया था लेकिन मेरा कोई तरह का अभी तक पैसा वैसा नहीं आया था, ठीक है। तो आप लोग जो है गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है अपना आधार कार्ड को बैंक अकाउंट नंबर से जुड़वा दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे एस कीजिएगा जिसका जिसका रहेगा उसका उसका, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसका जिसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा रहेगा वही लोग आप लोग जो है सब सारा कुछ आगे का प्रोसेस कीजिएगा, और अगर आपका नहीं है तो बेनिफिशियरी आईडी जब क्रिएट कीजिएगा आगे तब तो उसमें आपको दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो पहले आधार कार्ड को अपना जो है बैंक अकाउंट से जुड़ाओ, उसके बाद सारा कुछ प्रोसेस आगे करो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दिया, उसको मैं यहाँ पे टिक आउट करता हूँ, ठीक है, डिटेल्स भर के सिंपली मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे हरा कलर से आएगा कि योर बैंक अकाउंट का नंबर जो है सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया वो आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए सारा कुछ बैंक का डिटेल्स आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, किस टाइप का अकाउंट है, बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आएगा, फिर यहाँ पे अकाउंट लिंक्ड या सीडेड विथ आधार, तो यहाँ पे हाँ मेरा है, ये सब सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इतना सारा कुछ आप लोग कीजिएगा, उसको सिंपली आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, इस जगह पे डैशबोर्ड पर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, नहीं तो आप लोग बैक में यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। तो गाइस मैं बैक पर क्लिक करके आया हूँ और फिर से मेरे पास वही पॉपअप आया था, उसको ओके कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 90% कम्प्लीट हो गया, जो कि मैंने बैंक का डिटेल्स अपडेट किया तो,
ठीक है। अब मेरा 10% बचा है और 10% ये है सिग्नेचर का इमेज, इसको मैं भी अपडेट करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। हाँ तो गाइस सिग्नेचर में अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने सारा कुछ बेसिक डिटेल्स में क्लिक यानी कि आ जाएगा खुल करके, जिसमें से आपका रहेगा यहाँ पे देखिए नाम का रहेगा जो भी आपका रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और देखिए अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर अपलोड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड कलर का स्टार नहीं लिखा है तो मैं इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपका जेंडर आएगा, यहाँ पे डिसेबिलिटी में आएगा तो यहाँ पे मैं नो यानी कि नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक किया हूँ, और यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रहेगा फादर स्पाउस या मदर का नेम जो भी रहेगा वो आएगा, आपका रिलेशनशिप क्या है इनके साथ वो आएगा, आपका फादर का नाम आएगा, आपका मदर का नाम आएगा, ठीक है, ये सब सारा कुछ आएगा। बाकी और भी बहुत सारा डिटेल्स आगे नीचे आएगा तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फादर का नाम जो था वो रहेगा, मदर का नाम, यहाँ पे भाई आईडी प्रूफ में अभी डिटेल्स में बात करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे तीन आईडी कार्ड आएगा, एक ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, एक आधार कार्ड आएगा, एक पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये तीनों में से जो भी आपके सब पास रहेगा वो आपको डालना है, और कैसे कैसे करना है वो मैं सारा कुछ अभी डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे बता दे रहा हूँ सारा कुछ। तो आप लोग जो भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसका नंबर आएगा, और यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि किस स्टेट का डोमिसाइल आपका है, ठीक है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको भी। यहाँ पे आपका कैटेगरी आएगा, किस कैटेगरी से आप लोग हैं, जैसे जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हैं वो आएगा। यहाँ पे सिटी आएगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन वन आएगा, एड्रेस लाइन टू, यहाँ पे स्टेट आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई कि यहाँ पे जो है आईडी प्रूफ में क्या क्या डालना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आईडी प्रूफ टाइप में क्या डालना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सिंपली आपको पैन कार्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है। पैन कार्ड पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड का आपको जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, फ्रंट का जो रहता है जिसमें फ़ोटो रहता है वो आप लोग डाल दीजिएगा, और आपका जो रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, JPEG में रहना चाहिए, JPEG में हो रहना चाहिए, PNG PDF फाइल में रहना चाहिए, ठीक है, और 4 MB तक ही अलाव है मैक्सिमम, 4 MB से यानी कि 4 MB या तो 4 MB से कम कराना चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड का नंबर डालिएगा, और अगर किसी के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भाई, अगर जिसके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 18 साल दोनों के बाद ही बनता है। तो ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है अदर में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, अदर में ऐसे करके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई अदर प्रूफ टाइप, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं ये क्या लिख रहा है, इसे पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आईडी प्रूफ टाइप है, उसके नीचे देखिए क्या लिख रहा है, प्लीज इंटर वैलिड आईडी प्रूफ डिटेल्स, वैलिड आईडी प्रूफ सेल बी इंक्लूड, एक मिनट गाइस थोड़ा सा, सेल बी इंक्लूड पैन यानी कि पैन कार्ड रहना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो तो है वो 18 साल के बाद ही बनता है यार, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस तो मान लेते हैं पैन वोटर और ड्राइविंग लाइसेंस ये तीनों नहीं है, और तो फिर आपके पास जो है एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी रहना चाहिए, ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, थोड़ा सा भाई दिक्कत हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि प्लीज डू नॉट मैंसन एंड अपलोड द आधार एज आईडी प्रूफ, बोल रहा है कि आईडी प्रूफ में आधार कार्ड को मेंशन मत कीजिए, ठीक है। तो भाई आधार कार्ड को मेंशन नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे 10th का मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है, 10th का मार्कशीट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पे लिख देना है 10th मार्कशीट, ठीक है, 10th मार्कशीट लिख दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको आधार में जो दिख रहा है यहाँ पे वही वाला आधार 10th का मार्कशीट का यहाँ पे लगा दीजिएगा, आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, और वो भी जो है JPG PNG PDF फाइल में 4 MB से कम कराना चाहिए। और अगर आपके पास जो अदर्स है उसका अगर आईडी प्रूफ नंबर वगैरह कुछ है, जैसे सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, तो वो आपको लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में क्या करना है, इस प्रकार से इसे एक बार क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी स्टेट रहेगा उसको आपको एक बार चूज कर देना है, ठीक है, और चूज कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका रहेगा आवासीय प्रमाण पत्र रहता है ना, सभी के पास रहता है कि किस स्टेट में किस जिला में कहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, उसके सभी के पास यहाँ पर स्टेट लेवल का रेसिडेंशियल रहता है, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और रहता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग जो 10th का ITI का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे कैटेगरी का मिलेगा, कैटेगरी में आप इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा जनरल का आएगा, OBC का आएगा, SC का आएगा और ST का आएगा, ठीक है, तो आप जो भी रहेंगे वो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिटी में आएगा, आपका जो भी सिटी है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद पे नीचे एड्रेस लाइन वन में आएगा, तो आपका जो भी पूरा डिटेल्स में एड्रेस रहेगा, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, उसका पिन नंबर, ये सारा कुछ डायल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आपका एड्रेस और लंबा है तो आप लोग यहाँ पे और लंबा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, उसी में सब लिखा जाएगा, तो इसका छोड़ दीजिएगा। स्टेट में आपका जो स्टेट रहेगा वो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, आपका पिन कोड का नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करना है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज यहाँ पे है, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 MB से कम का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर जो रहेगा वो आपका JPG में रहना चाहिए, PNG में रहना चाहिए, या तो JPEG में रहना चाहिए, ठीक है, PDF फॉर्मेट नहीं चलेगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अपलोड ए स्कैन कॉपी और इमेज ऑफ योर सिग्नेचर, ठीक है, स्कैन कॉपी लगाना है भाई, फ्रेश, ठीक है। दिस सेल बी यूज्ड इन द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में यही सिग्नेचर आएगा हर जगह। तो आप लोग जो फ्रेश एकदम पूरा अच्छा से सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। और बोल रहा है आगे, प्लीज यूज अ लीजिबल इमेज फाइल, मतलब जो ये फाइल है ना भाई, JPEG और PNG, ये तीन ही फॉर्मेट में आपका जो है ये सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा जिसमें आपका साफ पूरा दिखेगा सिग्नेचर, वही वाला आप लोग डालिएगा अच्छा में, ठीक है भाई। 4 MB बहुत होता है सिग्नेचर के लिए, तो आप लोग आराम से खींच के मोबाइल में, या तो फिर कोई भी ऐप उससे कहीं से भी बना करके एकदम मस्त से डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल में करके आपको जो है अपलोड कर देना है, ठीक। के बाद भाई आगे बात आता है कि अबाउट मी में क्या लिखें, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ दैट विल हेल्प द एम्प्लॉयर्स टू अंडरस्टैंड यू बेटर, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखो, ताकि जहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करके आप लोग जाइएगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए, या तो प्राइवेट में जाइए या तो सरकार में जाइए, ताकि उसको पता चले कि हाँ आप क्या कर रहे थे पहले, या तो अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं अपना, वो आपको शायद स्क्रीन में दिखता होगा, ठीक है, यहाँ पर दिखता होगा, नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या लिखना है। तो भाई सबसे पहले लिखना है कि IM, ये जैसे मेरा नाम है, मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। आई एम सुनील पंडित, आई हैव कम्प्लीटेड माई ट्रेड, जो भी ट्रेड रहेगा वो, आई हैव कम्प्लीटेड माई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम ये सेशन से ये सेशन के बीच में, एंड आई एम प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑफ कम्पिटिटिव, ठीक है, यानी कि कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ मैं, और आगे मतलब यही सबको कुछ कुछ लिख देना भाई, ठीक है। और मैंने अप्रेंटिसशिप यानी कि मैं अप्रेंटिसशिप करना चाह रहा हूँ, और भी बहुत सारा यानी कि जो भी डिटेल्स रहेगा, और आपको अगर किसी चीज़ का शौक है सब कुछ लिख देना, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपको देखिए सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे ऐसे करके आना है, ठीक है, ऐसे करके आना है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला मेरा सेव करके रखें, कुछ और चेंजेस अगर करना है, जितना भी मान के चलिए कुछ कुछ डिटेल्स आपने भरा है, जितना मैं बताया हूँ यहाँ पर, उतना आपने कुछ कुछ डिटेल्स भरा और कुछ कुछ नहीं भरा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है सेव एज ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आगे यानी कि एक दो दिन के अंदर में और डिटेल्स में सारा कुछ फिल करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ऐसा भी करके आप लोग रख सकते हैं। तो सिंपली मैं सारा कुछ डिटेल्स यानी कि भरूँगा उसको, उसके बाद जो है अपडेट बन में क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अपना भर लीजिए, और अगर कोई आधा भरे हैं तो आप सेव एज ड्राफ्ट करके रखिए, जब आप लोग पूरा भर लीजिएगा उसके बाद जो है अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो गाइस जैसे आप लोग अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर से आ जाएगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे सारा कुछ आपका डिटेल्स रहेगा एकदम A to Z भाई, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ यानी कि नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी यानी कि कुछ कुछ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए आपके सामने कुछ प्रोफाइल इस प्रकार से दिखेगा, ये आपका प्रोफाइल का फोटो रहेगा, ये नाम रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारा कुछ डिटेल्स रहेगा, ठीक है। आप लोग जो कि अपना देख लीजिएगा, और यहाँ पे एजुकेशन में क्लिक करके मैं यहाँ पे देखिए पहले से ITI का है, अगर आपका कुछ नहीं रहेगा तो आपको ITI प्लस में 10th का डालना बहुत ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि आप लोग कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं तो आपका ITI का और यहाँ पे 10th का होना जरूरी है। इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं भरिएगा, 12th का नहीं भरिएगा, ना ही ग्रेजुएशन का, कुछ नहीं भरना है भाई, ठीक है। केवल 10th का रहना चाहिए और केवल ITI का रहना चाहिए, दो ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अभी ITI का एड है, वो भी मेरा पुराने की एड नहीं है, ठीक है। तो
मैं सारा कुछ अभी ऐड करूंगा आईटीआई का प्लस में टेंथ का, और उसके बाद नीचे प्रेफरेंस का ऑप्शन है उसमें भी क्या क्या ऐड करना वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और गाइस आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि प्रोफाइल कंप्लीशन में मेरा 100% यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा क्वालिफिकेशन में केवल आईटीआई का भी ऐड है, और बाकी बहुत सारा आने की भी डिटेल्स इसमें डालना बाकी है, ठीक है। और इसमें प्रेफरेंस में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एजुकेशन जो रहेगा भाई यहाँ पे टेंथ और आईटीआई के नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेंथ का डालूंगा, उसके बाद मैं आईटीआई के डालूंगा, ठीक है। तो एजुकेशन डिटेल्स ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड एजुकेशन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, ऐड एजुकेशन में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए ये ऑप्शन खुलेगा एजुकेशन डिटेल्स में क्वालिफिकेशन टाइप में। तो भाई यहाँ पर सिंपली आपको इसे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सभी को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से इसे क्लिक कर दिए, ठीक ठीक है। इसे क्लिक किए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में जाना है, तो क्वालिफिकेशन में क्लिक करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले टेंथ का डालना है, टेंथ का मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो ऑप्शन अभी नहीं खुल रहा है, ये ऑप्शन खुलेगा आपका आईटीआई में खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन में क्या लिखा देना है, तो भाई आप लोग दीजिएगा कि यानी कि साइंस दीजिएगा, ठीक है, मैथ दीजिएगा, उसके बाद देना है हिंदी देना है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देना है, उसके बाद हो गया आपका जो जो भी सब्जेक्ट यानी कि 5 से 6 सब्जेक्ट दीजिएगा, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका हो गया सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस दीजिएगा, उसको लास्ट में संस्कृत दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये 4 सब्जेक्ट यानी कि देना ही देना है, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए एजुकेशन डिटेल्स में क्या क्या डालना है, तो भाई सबसे पहले एजुकेशन टाइप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको टेंथ डालना है, कैटेगरी या सेक्टर का ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक है, क्योंकि आईटीआई में वाला शायद खुलेगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपको ये डाल देना है, इंस्टीट्यूट में अपना हाई स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका मार्कशीट में रहेगा तो सर्टिफिकेट में रहेगा, ठीक है। आपने कितना नंबर लाया, एग्रीगेट मार्क्स में डाल दीजिएगा। टोटल नंबर कितना का था आपका, स्टेट में कितना का चलता है, जैसे झारखंड में 500 नंबर टोटल रहता है, ठीक है, और उसमें से भाई कितना नंबर लाए थे, तो 351 लाए थे। मेरा परसेंटेज कितना बना, तो आपको मार्कशीट में परसेंटेज लिखा रहता है 70.20%, ठीक है, तो 70.20 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए स्टार्ट डेट नहीं याद रहता है बहुत लोगों का, तो 1 मार्च 2021 हम डाल दिए, और एंड डेट जो है ये मेरा सर्टिफिकेट में जितना नंबर लिखा है, जितना डेट लिखा है मार्कशीट में, वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। मार्कशीट में जो लिखा है डेट वो मैं डाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है मार्कशीट तो सर्टिफिकेट टेंथ का डाल सकते हैं, ठीक है। इतना डालने के बाद गाइज आपको सिंपल यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है, और देखिए ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं। तो अपडेट पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो गाइज देखिए फाइनली मेरा टेंथ का अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन में यहाँ पे टेंथ है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इधर देखिएगा, इधर जो रहेगा वो मेरा स्पेशलाइजेशन में क्या है कि साइंस है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत है। इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि हाई स्कूल का नाम है, तो ये मेरा हाई स्कूल का नाम है। स्टार्ट डेट कब से कब तक चला था, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया। टोटल नंबर कितना था, तो 500 झारखंड में चलता है, परसेंटेज 70.20। एग्रीग्रेट 351, मतलब 351 नंबर मैंने लाया था, इस भाई ने मतलब लाया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इज हाईएस्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाला हाई आ गया है यानी कि एस आ गया, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे कोई तरह का एडिट वगैरह करना, तो आप लोग ये पेंसिल में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला डिलीट करना, ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट में क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये वाला डिलीट हो जाएगा, उसको फिर से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे ऐड एजुकेशन में क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मैं ऐड एजुकेशन पर क्लिक किया हूँ। अब फिर से यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन टाइप में फिर से क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में करना है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक किए, उसके बाद क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए आपको आईटीआई का है जो, वो आईटीआई में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आईटीआई में जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने देखिए अभी यहाँ पे ये कैटेगरी या सेक्टर का जो है सेक्शन वो खुल गया, ठीक है, जो कि उस समय नहीं खुल रहा था। तो जो आपका जो भी रहेगा एनसीबीटी एससीबीटी जो भी रहेगा वो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरा एनसीबीटी है, और स्पेशलाइजेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कितना नंबर लाया वो, यहाँ पे टोटल नंबर कितना रहेगा वो, यहाँ परसेंटेज कितना बढ़ रहा है वो, यहाँ पर स्टार्ट डेट, यहाँ पर एंड डेट, और यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट अथवा आईटीआई का सर्टिफिकेट इतना डाल करके हम सिंपली जो क्या करेंगे अपडेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइस आप लोग देख लीजिए मैं क्या क्या भर रहा हूँ। तो भाई एजुकेशन टाइप में मैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, क्वालिफिकेशन में आईटीआई में क्लिक किया हूँ, और कैटेगरी सेक्टर जो है मेरा एनसीबीटी है वो मैं क्लिक किया हूँ, और स्पेशलाइजेशन में मेरा ट्रेड यहाँ पे वेल्डर है, तो वेल्डर जो ट्रेड आप करेगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा,
यहाँ पे देखिए बड़ा अक्षर में लिखिए या छोटा अक्षर में लिखिए, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका जो रहेगा वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बहुत लोग का डाउट आता है कि भाई मम्मी का नाम बड़ा में लिखें कि छोटा में, तो भाई आपका नाम अगर जिस प्रकार से यानी कि आधार कार्ड में उस प्रकार से आपका नाम आया होगा, आपका पिताजी का आया होगा प्लस में, उसी प्रकार से अपना मम्मी का भी नाम लिख दीजिएगा। जो भी मेरा SUNIL इस प्रकार से है ना, तो मम्मी का भी नाम लिखेंगे तो मम्मी का भी नाम यानी कि बड़ा अक्षर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। और बाकी जिस प्रकार से सुनील पंडित हम लिखते हैं उस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उस प्रकार से कर देना आप, उस प्रकार से कर देना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि भाई देखो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, एग्रीगेट नंबर यानी कि ये वेल्डर ट्रेड है, एक साल का होता है, तो 495 नंबर इस भाई ने लाया था, तो ये इतना में भर दिया हूँ। टोटल नंबर 600 का था जो कि आपका मार्कशीट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज है वो आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट क्या रहेगा, तो भाई बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो देखो अगर आपका जो सेशन है वो आप लोग सिंपली भाई दिमाग नहीं चाटना है उतना, अगर एक साल का है आप लोग 1 अगस्त 2022 ये भाई का मैं डाल दिया हूँ, और एंड डेट क्या डाला हूँ तो 31 जुलाई 2023। अगर आपका भी होगा मान के चलिए किसी का 2020 से मान लेते 2020 से 2021 होगा, ठीक है। अब बहुत लोगों क्या होता है कि COVID-19 के टाइम के कारण वो सर्टिफिकेट बाद में आता है, तो वो समय नहीं रखता है, ठीक है। आपका सेशन कहाँ से कहाँ तक चला, 2020 से 2021 में चला नहीं, तो सिंपली 2020 का अगस्त 1 अगस्त से आपने स्टार्ट किया और 2023 यानी कि 2021 का 31 जुलाई को मैं आपने ख़त्म कर दिया, ये डाल देना, ठीक है। आप लोग कुछ भी डाल दीजिएगा चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बाकी केवल जो पहले बताएं EKYC बैंक डिटेल्स, आधार अपडेट, ये सब केवल ध्यान देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह, कैंडिडेट का सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ करके आपको जो सिंपल यहाँ पे इस जगह पे अपडेट पर क्लिक कर देना, ठीक है। गज अपडेट पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10th का जाएगा, यहाँ पे ITI का आ जाएगा, और यहाँ पे NCVT जो भी यानी कि डिटेल्स आपने डाला है, जो जो भी मैं बताया हूँ वो आपने जो जो डाला होगा, तो आपको सारा कुछ डिटेल्स इस प्रकार से आएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये डाल देना है, ठीक, इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेफरेंस है, यहाँ पे प्रेफरेंस में सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अब प्रेफरेंस में क्या डालिएगा, तो भाई आपका जो भी ट्रेड रहेगा ना, जो भी ट्रेड रहेगा वही ट्रेड को यहाँ पे डाल देना है। देखिए एक वेल्डर का ही आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे वेल्डर में इस प्रकार से क्लिक कर दिए। आप लोग अका को और अगर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, WELDER ये वाला डालें। उसके बाद और अगर आ रहा है जैसे बड़ा अक्षर में आ गया, ये भी आने की डाल देना है। तो मैं इतना सारा कुछ डाल करके, और बाकी अपना एक बार सर्टिफिकेट देख लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट में क्या है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रीशियन अपना डाले थे अपना वाला में, और इलेक्ट्रीशियन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से आता था कुछ, वो डाल दिए थे। इससे ज़्यादा कुछ करने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हाँ 2-3 को डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। हाँ, तो गाइस फाइनली जो है मैंने अपना प्रेफरेंस को भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये आप लोग चाहिएगा तो एक ही आने की जो आपका ट्रेड रहेगा वही आप लोग आने के रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फाइनली जो है मैंने सारा कुछ आने की ये भाई का पूरा यानी कि 50% से लेकर के 100% पूरा कंप्लीट करने तक का सारा कुछ यानी कि ऐड कर दिया हूँ। अब मैं सिंपली यानी कि जहाँ जहाँ भी पूरा अप्रेंटिस आया है सभी मैं अप्लाई कर दूंगा दनादन यानी कि एक करके, और कैसे कैसे अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप का वो तो मैं आपको वीडियो बना करके बता ही रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और जितना मैं आप अभी आपको करके दिखाया हूँ ये सब सारा कुछ यानी कि हूबहू रहना चाहिए आपको, मतलब जो भी ट्रेड रहेगा उस ट्रेड में ये सब सारा कुछ फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। पहला कि 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा बात कि आपका 10th और ITI का नंबर जुड़ यानी कि रहना चाहिए एड इसमें, ठीक है। तो आई होप जिस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ उस प्रकार से आपने जो किया होगा आपका जो भी ट्रेड रहेगा रहा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग अगर कमेंट कीजिए, मैं अपना क्या करूँगा, इलेक्ट्रीशियन का मेरा ट्रेड है तो अपना प्रोफाइल मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या भर करके रखा है, ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है, तुरंत आने की रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।